आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको .com डोमेन जो है वो फ्री में लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखने वाले कि कैसे थीम जो है इजी कार्ट में यहाँ पर थीम जो है कस्टमाइज करके आपको दिखाने वाला हूँ, फुल कस्टमाइजेशन होने वाला है। तो दोस्तों आपको साथ ही में .com डोमेन कैसे लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मेरे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पार्ट टू है, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि .com डोमेन जो है आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है याहू स्मॉल बिजनेस। दोस्तों वहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सिंपल से अपनी कैटेगरी डालनी है, कौन से कैटेगरी का आप ब्लॉग बना रहे हो, कौन सा आपको डोमेन चाहिए। उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड होना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपना डोमेन ले सकते हो। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है जिसमें आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको .com डोमेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। तो दोस्तों .com डोमेन अगर आपको होना तो आपको क्रेडिट कार्ड जरूरी है। ये जो फ्री आपको डोमेन मिलने वाला है वो एक साल के लिए मिलने वाला है। एक साल के बाद अगर आपने इसे कैंसिल नहीं किया है तो आपको जो है $120 यहाँ पर पे करना पड़ेगा। पर इसका भी एक तरीका है, आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 महीने अपना जो डोमेन है यहाँ पर रखोगे, जब एक बार आपकी वेबसाइट जो है वो चल पड़ेगी, आप पैसे अर्न कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो डोमेन है सिंपल से ट्रेड कर देना है, ट्रांसफर कर देना है दूसरे रजिस्ट्रार में, ताकि आपको कम से कम पैसा लगे $8-10 में ये जो ट्रांसफर हो जाता है, बाकी आपको रिन्यूअल भी वहां से ही मिल जाएगा। तो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों .com डोमेन जैसे लिया है आपने, उसके बाद में ये ब्लॉगर से अटैच कर देना है। ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीदियो काफी लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा। तो डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना फ्री जो ब्लॉग है वो कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इजी कार्ड जो टेम्पलेट है उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है और बाजू में एक घंटी मिलेगी उसको ऑल पर सेट कर देना है। बस आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा मेरे वीडियोज का। चलिए दोस्तों अब वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके जो प्रोडक्ट्स है इजी कार्ड के वेबसाइट पर कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप इस थीम को इंस्टॉल करके पहली बार डालोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा यहाँ पर जो प्राइस आ रही है ऐसा आपको कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐड टू कार्ड के सेक्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पर हम चेकआउट के पेज पर क्लिक कर सकते। तो दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर चेकआउट का पेज कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, यहाँ पर योर होम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पोस्ट कोड, यहाँ पर अपार्टमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री और यहाँ पर ऑर्डर नोट्स। तो यहाँ पर इस टाइप का आपको यहाँ पर चेकआउट पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आपके प्रोडक्ट आएंगे, जो भी आपका जो कस्टमर होगा यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा वो यहाँ पर शो करेगी, यहाँ से वो कट कर सकता है। यहाँ पर टोटल आ जाएंगे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पर जो शिपिंग चार्जेस होते हैं यहाँ पर आप वो भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर ग्रैंड टोटल में आपकी जो टोटल है वो सारी आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पेपाल, कैश ऑन डिलीवरी, UPI ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर $0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्राइस नहीं डाली है ये प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए ये $0 आ रहा है। जब भी आप यहाँ पर प्राइस डाल दोगे अपने आप ये जो कैलकुलेट कर देगा जितना भी आपने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं जो है अपना सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर दोस्तों मैं जो नीचे कर दूंगा, यहाँ पर दोस्तों नीचे करने के बाद मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी में चूज कर लूंगा और यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सब ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है, आपको ऑर्डर मिल चुका होगा। यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी से अपना ब्लॉग बनाया है उस ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि किसने ऑर्डर दिया है और जितनी भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाएंगी।
दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में जाकर यहाँ पर ब्लॉगर सर्च करना है और जो पहली लिंक आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है हेडिंग डालना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है blogspot.com अपना जो URL होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है तो इसकी वजह से ये जो यहाँ पर सेव का बटन आ रहा है तो यहाँ पर जो है मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो URL है वो हो जाएगा इनेबल। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए देसी गारमेंट्स और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ ये। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मेरा जो URL है कुछ इस टाइप का दिखाई देगा desigarment.blogspot.com। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद में सबसे पहले आपको टाइटल डालना है देसी गारमेंट्स, जो भी आपका टाइटल होगा उसके नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है कि मैं ये प्रोडक्ट्स डालने वाला हूँ, उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम में है तो यहाँ पर दोस्तों आप इंग्लिश भी कर सकते हो या फिर यूनाइटेड किंगडम भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके नीचे का बटन आपको ऑफ रन देना है। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ID, तो यहाँ पर अगर आप इसे नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बाद में आपको इसका यहाँ पर कैसे ऐड करना है वो यहाँ पर आप समझ जाओगे। फेव आइकन को आप कैसे ऐड करना है, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ब्लॉगर का ये जो फेव आइकन दिख रहा है ये इसको बोलते हैं फेव आइकन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों एक बात का आपको ध्यान में रखना है, आप तो आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो दोस्तों स्क्वायर में होनी चाहिए वरना आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम मुझे नहीं डालना है तो यहाँ पर दोस्तों कैंसिल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर विजिबल टू सर्च इंजन यहाँ पर एनेबल रख देना है। यहाँ पर अब बाकी का और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ब्लॉग एडमिन आपका अपने आप नाम आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बाकी और कुछ नहीं करना है, जैसा ऑन है वैसे ऑन रन देना है और जैसा ऑफ है वैसे ऑन ऑफ रन देना है। यहाँ पर टाइम जोन में आपको जो अपना टाइम डालना है तो आपको सीधा से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपको सर्च करना है GMT 530। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन क्लिक करोगे आपका सारा कुछ यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर मेटा टैग, यहाँ पर दोस्तों एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो आपको जैसे यूट्यूब में मालूम होगा अगर हम टैग डालते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो अपने वेबसाइट के टैग डालने हैं जो कि आपके वेबसाइट को बहुत ही हेल्प करेगी रैंक करने में, तो यहाँ पर दोस्तों इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद में यहाँ पर आप जो है टैग डाल सकते हो, बस इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ और करना नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों कस्टमाइजेशन की बारी आती है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसे कैसे कस्टमाइज करते हैं, मेगा मेन्यू कैसे कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पर अपने हेडिंग्स कैसे डाल सकते हो, अपने पेज कैसे डाल सकते हो, इसे कैसे कस्टमाइज करते हैं, डॉलर को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर इसे कैसे हटा सकते हो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है आपको तो इसे कैसे हटा सकते हो, ये सारा कुछ कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर अपनी इमेज कैसे डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पॉपुलर प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर रिसेंट प्रोडक्ट्स कैसे डाल सकते हो, इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर अपना फुटर क्रेडिट कैसे दे सकते हो, इसे कैसे हटा सकते हो यहाँ से, यहाँ पर कैसे अपना जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है यहाँ पर कैसे ला सकते हो। तो इस वीडियो में ये सारा कुछ कवर होने वाला है, तो वीडियो पहले ही बता दूं कि लंबा होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो का जो कस्टमाइजेशन है फाइनली शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इजी कार्ड का जो लोगो है यहाँ पर इसे चेंज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसे कैसे चेंज करना है। तो आपको वापस से जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर जो है लेआउट में सेक्शन में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप का लेआउट दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट जो ऑप्शन है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, कैसे इसे सेटअप करना है वो थोड़ी देर बाद में मैं बताने वाला हूँ, पर यहाँ पर फिलहाल में हम हेडर लोगों पर जाते हैं। यहाँ पर पेंसिल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये रिमूव इमेज आपको दिख रही होगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेव के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक बात का ध्यान में रखना है, आपका जो ब्लॉग का टाइटल है यहाँ पर लिखा होना चाहिए, वही यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए अब यहाँ पर इजी कार्ड की जगह पे आपका जो नाम है देसी गारमेंट्स यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अबाउट अस कॉन्टैक्ट और यहाँ पर दोस्तों दो बार कॉन्टैक्ट आ चुका है, तो इसे कैसे चेंज करना है, वापस से लेआउट के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हेडर राइट मेनू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये पेंसिल के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए लिंक क्लिक, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि नीचे आना है और यहाँ पर अगर आपको ये अबाउट का सेक्शन यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट आपको अबाउट अस का पेज बनाना है। यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए अबाउट अस यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, अबाउट अस यहाँ पर हमने टाइप किया और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अबाउट अस पेज की लिंक होगी बस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों सेव के बटन पर आपको जैसे क्लिक करोगे आप,
सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम वापस हम ब्लॉग पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में देख लीजिए अबाउट अस का यहाँ पर जो सेक्शन है यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर पहले अबाउट अगर आपने नोटिस किया होगा और यहाँ पर दोस्तों अबाउट अस, तो इसी तरह से आपको बाकी के जो भी चेंजेस करने हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए ये लिंक लिस्ट जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है और इसे भी यहाँ पर डिलीट कर देना है। यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है, सेव के बटन पर व्यू ब्लॉग पर जाएंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए व्यू ब्लॉग पर आप अबाउट अस का सेक्शन है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका जो है यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर वापस हम रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों अबाउट अस का सेक्शन ही बच चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये जो चेंजेस है यहाँ पर आपको कैसे करना है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको ये जो डॉलर है इसे आप रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो आपका मेगा मेन्यू है इसे कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा लेआउट के सेक्शन में। लेआउट के सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा मेन मेनू, यहाँ पर आपको पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है। पेंसिल के बटन पर क्लिक करने के बाद में वापस से यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा होम यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हमने डिलीट कर दिया तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसे जो है फीचर्स हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने और दो चीज़ यहाँ पर ऐड कर दिए और यहाँ पर हमें इसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम डिलीट करते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डिलीट कर देना है आपको, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप रन दे सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ये सारा कुछ हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर कुर्ती के अंदर यहाँ पर और सब मेन्यू चाहिए तो उसके आगे आपको ये जो सिंबल है इसे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए ये रन देता हूँ और कुर्ती के नीचे यहाँ पर मैंने ये लगाया, तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या होता है। तो यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, वापस से हम जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद में होता क्या है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर साड़ी आ चुका है, कुर्ती के नीचे यश आ चुका है, यहाँ पर यश वन और यहाँ पर होम। तो दोस्तों यहाँ पर होम अगर आपको इधर चाहिए तो यहाँ पर वापस से जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मेनू के लिस्ट के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको अप करने का बटन दिखता है, तो इसके आप अप करते जाएंगे जब तक आपका जो होम है फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है होम को फर्स्ट पोजीशन पर ला चुके हैं और यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर दोस्तों रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर होम पहले आ चुका है, सारी कुर्ती यश वन। तो यहाँ पर दोस्तों यश वन नहीं चाहिए तो वापस से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। वापस से लेआउट के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर ऐड अ गैजेट दिख रहा होगा, उसी के नीचे मेन मेनू दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देख लीजिए अगर आपको इसे चेंज करना है तो यहाँ पर आप एडिट के बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आप डाल सकते हो। और उसी के नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर एडिट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं बाजू के सेक्शन में क्लिक करता हूँ, जो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा तो इसके जगह पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो और बस आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक डिलीट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में वापस हम ब्लॉग पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों वापस से रिट्राई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सिर्फ एक बचा हुआ है, और अगर आपको यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों वापस से आपको जाना है लेआउट के सेक्शन में, एडिट के सेक्शन में जाना है वापस से, और यहाँ पर दोस्तों पूरा रिमूव पे क्लिक कर देना है। रिमूव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आप ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका जो सारा कुछ है वो सारा कुछ उड़ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये जो नंबर है ये चाहिए, तो यहाँ पर मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर इसे भी कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा इसे आपको कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑल कलेक्शन की और एडिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर बस आपको जैसे करना है यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करना है। एडिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है इसे भी आपको जो है कस्टमाइज कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिलीट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए बस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और उसी के नीचे आपकी जो कैटेगरी की लिंक होगी यहाँ पर आपको पेस्ट करके ऐड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे, वापस से ब्लॉग पर जाएंगे और वापस से यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए सारी का जो ऑप्शन है यहाँ पर एनेबल हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर लिंक भी डाली होगी आपके तो यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट भी कर जाएगा। तो उसी के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम का भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इसे कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मेन मेनू का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है वापस से, और यहाँ पर आपको होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो कि हमने वहाँ पर देखा था, तो इसे आपको एडिट करने के लिए अगर अभी तक आपको आ ही गया होगा यहाँ पर जस्ट आपको लिंक डालनी है, और अगर आपको इसे चेंज करना है तो यहाँ से आप जो भी डालना चाहो यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर वापस मैं सारी डाल दूंगा, यहाँ पर मैंने जो कैटेगरी है वो क्रिएट नहीं की है तो यहाँ पर मैं लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है और वापस हमें ब्लॉग पर जाना है और रिडायरेक्ट रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो सारी का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर पहले कुछ और ऑप्शन था, और अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पावर्ड बाय ब्लॉगर ये यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसे कैसे चेंज करना है, रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए एट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलेगा,
ऑप्शन मिलने के बाद में अगर आपको कॉपीराइटेड का अगर आपको कुछ डालना है तो कॉपीराइटेड बाय यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसा आपका वहाँ पर दिखने वाला है तो कॉपीराइट बाय यहाँ पर मैं डाल दूंगा। नीचे आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा कि किस टाइप का आपका लिखने वाला है, तो यहाँ पर प्रॉब्यू बाय कॉपीराइट बाय सारे यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कॉपीराइटेड बाय सारी, तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप का आपका दिखने वाला है। अगर आपको इसे रिमूव करना है जस्ट आपको यहाँ पर दिखना है और यहाँ पर दोस्तों रिमूव के बटन पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ये विजेट है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में ये सारा कुछ यहाँ से उड़ चुका है जैसे कि आपको देख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अबाउट मी के सेक्शन में अगर आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है तो फिर ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं डालना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसे अगर आपको एनेबल रन देना है तो यहाँ पर आप एनेबल रन दे सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अबाउट मी के सेक्शन में पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो नाम होगा डिफॉल्ट यहाँ पर आपको ले लेगा। यहाँ पर आपको हेडिंग चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों शो अबाउट मी के सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो रिमूव के बटन पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको ओके पर क्लिक कर देना है तो बस यहाँ पर आपका रिमूव हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको मुझे चाहिए तो यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करूंगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज ही नहीं किया है। अब उसी के नीचे यहाँ पर सर्च दिस ब्लॉक का आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर आप उसके इसे रन देना है। उसी के नीचे यहाँ पर जो आपके एडसेंस का अगर आपका इस ब्लॉक पर एडसेंस अप्रूवल हो जाता है अगर आप इस पे मेहनत करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे एनेबल रन देना है, इसे डिसेबल नहीं करना है। यहाँ पर पहले से ये डिसेबल है क्योंकि आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग आर्चीव चाहिए तो यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप मंथ डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप टाइटल भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है टाइटल दे दूंगा। यहाँ पर सारे ही हम दे देते हैं आपको दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। यहाँ पर सेव के बटन पर हम क्लिक करेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए नवंबर 2020, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर टाइटल भी हो चुका है सारी, यहाँ पर नवंबर 2020, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो चुका है। अब वापस से लेआउट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम जो है रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ओके के सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, ओके पर सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में वापस रीडायरेक्ट रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो वो था यहाँ पर वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों वापस से हम जाएंगे, यहाँ पर आपको टैग चाहिए, यहाँ पर आप टैग डाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिस्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए लिस्ट के जैसे आपको दिखाई देगा शो नंबर ऑफ पोस्ट पर लेवल, तो आपने एक लेवल के अंदर कितने पोस्ट डाले यहाँ पर आपको शो करेगी। सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है, वापस आपको जाना है वहाँ पर और रिफ्रेश के सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जो कैटेगरी है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, तो इसके वजह से आपको कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर आपको जस्ट आपको जाना है लेआउट के सेक्शन में और लेआउट के सेक्शन में आपको यहाँ पर जो भी चाहिए यहाँ पर आपको बस यहाँ पर पेंसिल के सेक्शन में जाकर यहाँ पर आपको जो है एडिट करते जाना है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कुछ 7 पोस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रही होगी, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों ऊपर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा मेन पोस्ट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जितनी भी पोस्ट डालनी है यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों 10 डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 10 मेरे पास पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर मैं 8 डाल रहे हो रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो यहाँ पर आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो, कैसे आपका नाम आना चाहिए और यहाँ पर बाय आना चाहिए, बाय अपने नाम के आगे बाय आना चाहिए, यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए सारा कुछ यहाँ पर डाल सकते हो, रिव्यूज आपको कितने डालने हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको डालने हैं या नहीं डालने हैं। यहाँ पर शो शेयर बटन यहाँ पर आपको शो करनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो मेन आ जाता है और यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, इसे हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दोस्तों आप जब भी आप यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट डालोगे यहाँ पर आपको 8 पोस्ट जो है यहाँ पर शो करेगी। अभी यहाँ पर दोस्तों 5 ही पोस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हो नहीं रहा है, अगर आपके ज़्यादा पोस्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा। पर दोस्तों आपको फेसबुक का कैसे चेंज करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों HTTPS यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में आपकी जो फेसबुक की लिंक होगी यहाँ पर आपको जस्ट पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं ये आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट कर देना है और सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है तो वापस आपका वहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसी के नीचे यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट आ रही है, तो यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर कैटेगरीज का सेक्शन आ रहा है तो इसे अगर आपको हटाना चाहते हो, उसी के नीचे टैग भी आ रहा था अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सेव के बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप कैटेगरीज बनाओगे उसके अंदर वो आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इसे नहीं चाहते हो टैक्स के सेक्शन को तो इसे रिमूव कर देना है, ओके के सेक्शन पर क्लिक करना है, वापस हम जाएंगे वहां पर और रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए टैक्स का जो सेक्शन है वो यहाँ पर हट चुका है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे के सेक्शन में।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको गैजेट जो ऐड करना है तो ऐड अ गैजेट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जैसे कि दिख सक रहा होगा यहाँ पर आपको जो भी आपको गैजेट्स ऐड करने हैं, फीचर, पोस्ट, प्रोफाइल, यहाँ पर आप सारे कुछ ऐड कर सकते हो, इमेज, ब्लॉग लिस्ट, फीड, लोगो, सब्सक्रिप्शन लिंक, विकीपीडिया, एट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप सारे कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना होगा तो। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करके देखते हैं होता क्या है, और जस्ट आपको इसे सेव कर देना है बस। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिसेंट वुमेंस में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर अगर आपको वुमेंस की जगह पर सारी लिखना है, यहाँ पर जैसे कि मेरे हिसाब से है तो यहाँ पर मैं सारी लिख दूंगा, और ये वुमेन की जगह पर भी हमें सारी लिखना होगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सारी के जो पोस्ट होगी सारी के कैटेगरीज में वो यहाँ पर शो करेंगे, और यहाँ पर थ्री के जगह पर आप जितने देखोगे यहाँ पर उतने पोस्ट यहाँ पर शो करने वाले। यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कैटेगरीज का सेक्शन है, कैटेगरीज के सेक्शन में हम जाएंगे, कैटेगरीज का सेक्शन भी आपको वैसे ही रन देना है, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, बाकी और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर रन देना है फॉलो बाय ईमेल के सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो फीड बर्नर का जो यूआरएल है यहाँ पर आपको जो फीड बर्नर से मिलेगा जो भी आप इसे बनाओगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों डालना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर दोस्तों क्रिएट हो चुका है आपका ऑलरेडी, यहाँ पर सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है बस। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको रिसेंट इन मेंस, तो वापस से आपको यहाँ पर अगर और कुछ लिखना है तो यहाँ पर मेंस का आपको चेंज करना है, और यहाँ पर भी मेंस का आपको चेंज करना है, और यहाँ पर सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम जाते हैं हमारे वेबसाइट में, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए रिसेंट इन वुमेंस, यहाँ पर कैटेगरीज, और यहाँ पर रिसेंट इन मेंस, तो यहाँ पर रिसेंट इन वुमेंस की जगह पर रिसेंट इन सारी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे। तो नीचे मैं जाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड किया था, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए रिसेंट इन सारी की जगह पर यहाँ पर रिसेंट इन वुमेन की जगह पर रिसेंट इन सारी आ चुका है, यहाँ पर हमने इसे भी एनेबल कर दिया है। एक बार आपको एनेबल करना है आपका जो यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्शन है ये भी आ जाएगा, कैटेगरीज के नीचे आपकी जो कैटेगरीज आप बनाओगे तो आपकी आ जाएगी रिसेंट इन मेन्स, आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहे होगा इसे आपको चेंज करना है वीज़ा, यहाँ पर दोस्तों आपको इसे चेंज करना होगा तो आपको जाना होगा यहाँ पर लेआउट के सेक्शन में, लेआउट के सेक्शन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेआउट के सेक्शन में आने के बाद में यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आइकन्स के आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए पेपाल का, वीज़ा का, मास्टर, डिस्कवर, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल से इसे डिलीट कर देना है। अगर आपको चाहिए एडिट करना चाहते हो तो पेपाल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो पेपाल का यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट करके सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन पर आप क्लिक करोगे ये जो आपकी सारी सेटिंग्स है यहाँ पर वो है सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम ब्लॉग को है रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कितने यहाँ पर 6 आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट किया है, और यहाँ पर देख लीजिए 4 यहाँ पर बचे हुए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको अपलोड करना है रिसेंट इन मेंस और रिसेंट इन सारीज के नीचे आपकी जब कैटेगरी बन जाएगी तो यहाँ पर आपके जो पोस्ट है ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारा कुछ कस्टमाइजेशन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हम ऊपर जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको प्राइस डालनी है प्रोडक्ट की तो वो कैसे डालोगे आप, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद में यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट जो भी आपको पोस्ट आपको करना है तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम प्राइस लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल से वही पेस्ट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 800 यहाँ पर मैं डाल दूंगा, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 800 डाल दिया, और उसी के बाद में यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है, इसे ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर इस बटन पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए साइजेस का आपको भी ऐसे ही करना है, साइजेस के आपको करना क्या है कि साइजेस ऐसा लिख देना है, यहाँ पर आपको ये सारा कुछ कट कर देना है, साइजेस आपको यहाँ पर कट कर देनी है। साइजेस के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो स्लैश डालना है जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह के स्लैश डाल देना है, और यहाँ पर जो भी आपकी साइज होगी यहाँ पर जैसे कि 23 यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर 23 लिख दिया हमने, और यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, तो इस तरह का आपको क्रॉस करना है। और यहाँ पर अपडेट पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देख लीजिए काशवी सेंसेशनल साड़ी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी वापस जाना है मेरे यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए सेंसेशन साड़ी, तो यहाँ पर हम देख लीजिए यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद में देख लीजिए 800 यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम साइजेस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों साइजेस का भी ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो 23 का आपको ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पर साइज डालोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर पोस्ट आपको ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर आपके रिव्यूज आ जाएंगे, यहाँ पर आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट के जो भी टैग्स डालोगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, शेयर का बटन यहाँ पर आएगा,
और यहाँ पर दोस्तों आपका हेडिंग यहाँ पर आ जाएगा और ऐड टू कार्ट व्यू कार्ट चेकआउट ये आप कैसे करोगे। तो आपको क्या करना क्या है कि सिंपल से आपको जाना है पेजेस के ऑप्शन पर। पेजेस के ऑप्शन पर जाने के बाद में सिंपल से आपको यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको चेकआउट का एक यहाँ पर हेडिंग डाल देना है टाइटल और बस यहाँ पर सेव कर देना है। और माई कार्ट का भी ऐसे ही डालना है, ऐड टू कार्ट का भी ऐसे ही डालना है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का यहाँ पर आप क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर भी आपको ऐसे ही करना है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट जो फॉर्म होगा जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। बस यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस सेव करने के बाद में यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद में वापस से ऊपर चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो। तो ये सारा कुछ हो चुका है हमारा और यहाँ पर दोस्तों आपको एरर दिख रहा होगा, नो पोस्ट फाउंड, तो इसे आपको कैसे ठीक करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे वापस से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है लेआउट के सेक्शन में। लेआउट के सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा हॉट ऑफर्स, तो यहाँ पर आपको इसे एडिट करना है, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर आपको जो टाइटल ऐसे चेंज कर देना है और वुमेन की जगह पर जो भी आपकी कैटेगरी की वो डाल देना है और हॉट स्पोर्ट्स की जगह पर जो भी आपने देखा था हॉट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप चेंज करोगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ सारी का हम एग्जाम्पल लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब जो है सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद में वापस से हम जाएंगे ब्लॉग पर और यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपका जो वो था वो यहाँ पर हट चुका है, जो आपको एरर आ रहा था वो यहाँ पर हट चुका है। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस टाइप की हमारी वेबसाइट दिखने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो कस्टमाइजेशन था वो पूरा कर लिया है। यहाँ पर आप और भी कुछ यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि सोशल प्लगइन्स यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो, यहाँ पर अपनी लिंक डाल सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपको रन देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप जो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो इसे भी आप जो है कट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको वापस से हॉट ऑफर्स में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसे जो है रिमूव कर देना है। इसे रिमूव करने के बाद में आपका जो वो दिख रहा था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कस्टमाइजेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पर मिलते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।